आज हम किरचॉफ करंट लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल अपन ये अलग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमको इस IX की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस IX की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस पूरे नेटवर्क में देखेंगे कि कैलकुलेशन पर्पस से इम्पॉर्टेंट नोड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एक नोड दिख रहा है, यहाँ पर एक नोड दिख रहा है और यहाँ पर एक नोड, ये तीन नोड हो गए और यहाँ पर ये पूरा एक नोड यहाँ पर, क्लियर। इसमें नीचे वाले को हमेशा अपन अर्थ कर देंगे ग्राउंड पोटेंशियल ज़ीरो। देन इस पॉइंट का वोल्टेज मैं V1 ले लिया, इस पॉइंट का वोल्टेज V2 और यहाँ का वोल्टेज V3। नोड वोल्टेज ऑलवेज अपन अज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव होगा, तो प्लस 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 लिख दीजिए, क्लियर। अब किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। इस वाले नोड पर ये 9 एम्पियर करंट यहाँ से आउटगोइंग है, बाकी तीनों ब्रांच में कोई भी करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अपन अपने मन से आउटगोइंग ले लेंगे। अब V2 वाले नोड पे तीनों ब्रांच में कोई भी ब्रांच में करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम अपने मन से क्या ले लेंगे, आउटगोइंग ले लेंगे। अब V3 वाले नोड पे अपन आएंगे तो यहाँ पर 9 एम्पियर करंट इनकमिंग है, तो इसको इनकमिंग रहने देंगे, बाकी को अपने मन से आउटगोइंग ले लेंगे। सो फर्स्ट वाले नोड पे इनकमिंग करंट 0, आउटगोइंग करंट V1 से +12 की ओर जा रहा है, तो हो जाएगा V1 -12/4। एक करंट V1 से V2 की ओर जा रहा है, सो V1 -V2/2। एक करंट V1 से V3 की ओर जा रहा है, सो V1 -V3/4। और एक करंट यहाँ पे जा रहा है और इसकी वैल्यू ये अपन को दे दिया है 9, तो उसको 9 लिखेंगे। यहाँ पर इनकमिंग करंट 0, आउटगोइंग करंट V2 से V1 पे जा रहा है, तो V2 -V1/2। एक V2 से ग्राउंड पे आ रहा है, तो V2 -0/4। एक V2 से V3 पे जा रहा है, प्लस से प्लस जा रहा है, तो V2 -V3/4। थर्ड आ जाएंगे यहाँ पर इनकमिंग करंट 9 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पे 9 इज इक्वल टू, एक V3 से V1 पे जा रहा है, तो V3 -V1/4। एक करंट V3 से V2 पे जा रहा है, तो V3 -V2/4। और एक करंट V3 से ग्राउंड पे आ रहा है, सो V3 -0/2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। देन यहाँ पर हम LCM लेंगे और इसको इक्वेशन को V1, V2, V3 को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 LCM लेंगे, तो जब यहाँ 4 LCM लेंगे तो यहाँ पे पूरा 4 LCM आ जाएगा। यहाँ पे भी 36 ये हो गया, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होगा। अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो 1 और 2 3, 2 और 1 3 और ये 1 4, तो 4V1 -2V2 -V3 इज इक्वल टू यहाँ पर -12 और यहाँ +36, ये हो जाएगा +24 और 0 के उधर जाके हो जाएगा -24। ये इक्वेशन 1 आ गया। नाउ हम इक्वेशन 2 को लेंगे, तो यहाँ भी 4 LCM ले लेंगे, तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा 4 LCM हो जाएगा। ये 4 इधर आके 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2V1 और यहाँ पे 2+1 3 और 1 4, तो +4V2 और यहाँ पर -V3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पे आ गया। सिमिलरली जो हमारा
थर्ड इक्वेशन है, यहाँ भी 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर ये 4 को यहाँ से हटा के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। यहाँ पर -V1 -V2 1 1 और यहाँ पे तो +4V3 इज इक्वल टू 36। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम V1, V2, V3 की वैल्यू निकाल लेंगे, V1, V2, V3 की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 -2 -1 -24 -2 4 -1 0 देन -1 -1 4 और 36। इसको सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू आ गई -4 वोल्ट, V2 की वैल्यू आ गई 0 वोल्ट और V3 की वैल्यू आ गई 8 वोल्ट। V1, V2, V3 हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमको क्वेश्चन में बोला था कि IX की वैल्यू फाइंड करना है, सो IX की वैल्यू फाइंड करते हैं। IX की वैल्यू फाइंड करने के लिए IX कहाँ बहने वाली करंट है इसको देखना है, IX यहाँ जाने वाली करंट। तो IX जो है वो V2 से, तो V2 -0/4, यहाँ V2 की वैल्यू 0 है तो 0/4 दैट इज 0 एम्पियर, मतलब इस वाले IX में ब्रांच में IX करंट 0 एम्पियर है। क्लियर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमको ये वेरिएबल R1 और R2 दिया हुआ है, हमको इस R1 और R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें यहाँ पर एक नोड, यहाँ पर एक नोड और ये कॉमन नोड है तो इसको ग्राउंडेड कर देंगे 0। यहाँ का वोल्टेज V1 और यहाँ का वोल्टेज V2 ले लेंगे। नोड वोल्टेज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस पॉइंट पर किरचॉफ करंट लॉ लगाने के लिए समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट देखना पड़ेगा। तो इस नोड पर यहाँ से जाने वाली करंट की वैल्यू अपन को दे दिया है 20 एम्पियर और यहाँ यहाँ करंट की कोई डायरेक्शन ले दिया तो अपने मन से आउटगोइंग ले लेंगे। सिमिलरली इस वाले नोड पर यहाँ पर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड दिया हुआ है तो इसको डाउनवर्ड ही ले लेंगे, बाकी इधर पे अपने मन से दोनों को आउटगोइंग ले लेंगे। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, इस वाले नोट पे इनकमिंग करंट 0, आउटगोइंग करंट V1 -110 -110। यहाँ से यहाँ जाने वाली करंट V1 -V2/3/10 और यहाँ पे जाने वाली करंट की वैल्यू दे दिया है 20 एम्पियर तो इसको 20 लिख देंगे। इस नोट पर इनकमिंग करंट 0, आउटगोइंग करंट V2 से V1 पे जा रहा है तो V2 -V1/3/10। एक V2 से इधर से घूम के V2 प्लस से माइनस +120 पे जा रहा है, V2 से +120 पे जा रहा है, देयरफॉर V2 -120/2/10 और यहाँ जाने वाली करंट ही हमको दे रहा है 30 तो यहाँ 30 लिख देंगे। अब यहाँ पर ये 10 को हटाएंगे तो यहाँ 10 और यहाँ पे 110 इंटू 10 हो जाएगा, इतना ये यहाँ 1 आ जाएगा और इसको करेंगे तो यहाँ 10 और फिर यहाँ 10। देन यहाँ पे 3 एलसीएम भी लेना पड़ेगा तो यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 60 और यहाँ पे ये हो जाएगा 30 और ये 3300 और ये ऐसा।
अब इसमें से वेरिएबल्स हम अलग अलग करेंगे, तो यहाँ को 30 + 10 40 V1 - 10 V2 = 3300 3300 - 60, ये हो जाएगा 3240। ये इक्वेशन नंबर वन आ गया। सिमिलरली यहाँ पर, यहाँ 10 को हटाएंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 10 और ये इतना हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 एलसीएम ले लेंगे, तो 6 एलसीएम लेने पर यहाँ 2 का, यहाँ 3 का और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ये हमारे इक्वेशन आ गया। फिर यहाँ पर -20 V1 हो गया। फिर अब V2 देख रहे हैं 20 + 30, तो हो जाएगा +50 V2 और यहाँ पर 1200 × 3 - 180 कर देते हैं इक्वल टू इतना, और ये माइनस में है इक्वल टू किधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3420। इक्वेशन नंबर टू आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, 40 - 10 3240 - 20 50 3420। V1 की वैल्यू आ गई 109 वोल्ट और V2 की वैल्यू आ गई 112 वोल्ट। क्लियर है? इस तरह हम ये अननोन नोड वोल्टेज V1 और V2 की वैल्यू फाइंड कर लिए। क्लियर? अब हमको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, I × R, तो R इज इक्वल टू V/I। यहाँ पे जो R1 होगा वो निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V1/I, मतलब यहाँ 20, तो 109 / 20 करेंगे। और R2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज V2 और यहाँ बहने वाली करंट 30, तो ये हो जाएगा 112 / 30। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 109 / 20, ये आ गया 5.45 ओम, और 112 / 30, ये आ जाएगा 3.733 ओम। ये हमारा R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, ये वाला डायग्राम। इसमें हमको इस I की वैल्यू फाइंड करना है, I की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? तो ऐसे जब डायग्राम, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिखते हैं तो हम उसको अपने मन से सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैं यहाँ पर ये एक कॉमन बेस लाइन लिया X, और यहाँ पर एक कॉमन बेस लाइन लिया Y। ये X पॉइंट, ये X, और ये Y पॉइंट, ये Y लिया। अब मैं Y से चलना चालू किया पहले ब्रांच के लिए -+, तो Y से चालू किया -+, यहाँ वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, और यहाँ से गया 5 ओम रेजिस्टेंस। फिर मैं यहाँ वाले ब्रांच से चालू किया -+, फिर यहाँ से गया -+, यहाँ का वोल्टेज 20 वोल्ट और यहाँ से ऐसे 10 ओम रेजिस्टेंस आया। फिर मैं यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ से गया
माइनस माइनस और यहाँ ऊपर प्लस, तो ये प्लस और फिर यहाँ से ऐसे होते हुए मैं यहाँ आ गया, ये हो गया 15 ओम और फिर ये 1 ओम वाई से ऐसा, ये एक्स से वाई ऐसा, तो ये हो गया हमारा 1 ओम और यहाँ पर जो करंट है ये IX हमको फाइंड करना है। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ वाले पॉइंट को ग्राउंडेड कर देते हैं, ये ज़ीरो हो गया। अब ये सिंपल एक नोड बन गया, कॉमन नोड ऐसा ले लो, ये एक सिंपल नोड बन गया। मैं इसको VX ले लिया और नोड वोल्टेज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस हो गया। अब इस नोड से ये भी आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग, ये भी आउटगोइंग और ये भी आउटगोइंग, सबको आउटगोइंग कर लिया। तो इस नोड पे इनकमिंग करंट ज़ीरो हो गया, आउटगोइंग करंट एक VX प्लस से कहाँ जा रहा है, प्लस पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा VX माइनस 10 डिवाइडेड बाय पाई। एक करंट VX से प्लस 20 की ओर जा रहा है, तो ये हो जाएगा VX माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10। एक करंट VX से यहाँ पे ये वोल्टेज 50 था, ये 50 हो गया ऐसा, VX से प्लस 50 की ओर जा रहा है, तो VX प्लस 50 की ओर जा रहा था, माइनस 50 बाय यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम, ये 15 और यहाँ जाने वाले करंट 1 ओम से तो ऐसा जा रही है, तो VX प्लस VX बाय 1, VX माइनस 0 बाय 1 या VX बाय 1, क्लियर है। अब हम यहाँ पर LCM लेंगे, तो LCM कितना ले लेते हैं, 150 LCM ले लेते हैं, क्लियर है। तो यहाँ हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 30 VX माइनस 300, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा 15, यहाँ पर इस 15 VX माइनस 300 और यहाँ प्लस 15, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 VX माइनस 500 और प्लस 150 VX, इसको थोड़ा क्लियर कट लिख देते हैं अपन, तो ये हो जाएगा इधर आके ये ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पर 30 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 150 इतना VX माइनस इसको लेंगे तो ये कितना आ रहा है 600 और ये इतना तो 500 तो 1100, इसको इधर लेके आया तो ये हो जाएगा, इसको सबको जोड़ दे रहा हूँ, तो 30 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 150 205 VX इज इक्वल टू 1100। सो VX इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 205 इज इक्वल टू 5.365 वोल्ट, क्लियर है। और हमको इस IX की वैल्यू फाइंड करना है, तो IX इज इक्वल टू ये VX और यहाँ ज़ीरो, तो VX माइनस 0 बाय 1, दैट इज यही आ जाएगा 5.365 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हम ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको हर ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड करना है, हर ब्रांच में करंट की वैल्यू इसमें फाइंड करना है और प्रूव करना है कि इसमें किरचॉफ करंट लॉ प्रूव हो रहा है, क्लियर है। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, इसमें कैलकुलेशन पर्पस से इम्पॉर्टेंट नोट जहां 3 या 3 से अधिक ब्रांच आपस में जुड़ती है वो 1, 2, 3 और ये सब कॉमन नोट एक दिख रहा है 4, जिसमें मैं इस कॉमन नोट को अर्थ कर दिया हूँ 0 और यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का V2 और यहाँ का V3 वोल्ट ले लिया, नोड वोल्टेज ऑलवेज पॉजिटिव, तो प्लस 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 कर दिया।
अब थोड़ा ध्यान से देखना है, ये यहाँ ग्राउंड है तो ये पूरा ग्राउंड है, ये ग्राउंड हो गया यहाँ तक। अब इस ग्राउंड से माइनस इधर कनेक्टेड है और प्लस ऊपर कनेक्टेड है, और ये प्लस से वी वन कनेक्टेड है। यहाँ बीच में कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी एलिमेंट नहीं आया है जहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप हो। दैट्स वाई इस वी वन की जो वैल्यू हो जाएगी, इस वी वन की वैल्यू क्योंकि प्लस ऊपर है इस कारण ये 36 वोल्ट हो जाएगी, ये वी वन की वैल्यू होगी। इस वी टू में थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो V2 में ये सिरा तो इसका ग्राउंडेड है, मतलब प्लस वाला सिरा तो ग्राउंडेड है, माइनस ऊपर है और माइनस किससे कनेक्टेड है, V2 से कनेक्टेड है, बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब V2 की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट आ गई माइनस 20 वोल्ट। नाउ हम ये थर्ड वाला नोड लेते हैं, इस थर्ड वाले नोड पे इनकमिंग करंट 3 एम्पियर आ रहा है, आउटगोइंग करंट एक V3 से V1 पे जा रहा है, तो V3 माइनस V1 बाय 10, एक करंट V3 से V2 पे जा रहा है तो V3 माइनस V2 बाय 2, और एक करंट V3 से ग्राउंड पे जा रहा है तो V3 माइनस 0 बाय 4। तो यहाँ पर LCM हम 20 ले लेते हैं, 20 LCM लेंगे तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी यहाँ से हट जाएगी। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2V1, फिर माइनस 10V2, V3 में यहाँ 2 और 10 12 और 12 और 5 17, तो प्लस 17V3 इज इक्वल टू 60। यहाँ पर हमको V1 और V2 की वैल्यू पता है तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस 2V1 कितना है 36, माइनस 10V2 कितना है माइनस 20, और प्लस 17V3 पुट करेंगे इक्वल टू यहाँ पर 60। V1 और V2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, अब इसको फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर 17V3 इज इक्वल टू 60, और इधर पे जाके ये प्लस हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा उधर माइनस 400, तो ये इधर जाके हो जाएगा माइनस 200, सो V3 इज इक्वल टू 60 प्लस 72 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 17, तो ये आ गया हमारा माइनस 4 वोल्ट, तो ये हमारा आ गया माइनस 4 वोल्ट। तो V1 की वैल्यू आ गई हमारी 36, V1 की वैल्यू हमको पता थी 36, V2 की वैल्यू कितनी है माइनस 12 माइनस 20 हमको पता है, और V3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कितना आ गया V3 माइनस 4 वोल्ट आ गया। क्लियर है, ये हमारे सब वोल्टेज आ गए। अब हमको आगे हर ब्रांच में करंट फाइंड करना है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस V1 वाले में V1 और V2 के बीच में V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, यहाँ पर V1 बड़ा है। दैट्स वाई इस 2 ओम रेजिस्टर में करंट मैं फाइंड करूँगा तो V1 माइनस V2 बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर V1 की वैल्यू हो गई 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो यहाँ पे करंट आएगा 28 एम्पियर। अब V1 से V3 में देखना है, V1 और V3 में V1 है 36 और V3 है माइनस 4, दैट्स वाई V1 बड़ा है, तो यहाँ पर V1 माइनस V3 बाय 10 होगा करंट, तो V1 कितना है 36 माइनस माइनस प्लस 4 V3 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 10 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 एम्पियर। यहाँ पर V1 की वैल्यू कितनी है 36 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा
तो 36 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 18 एम्पियर करंट यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर 18 यहाँ गया, 28 यहाँ गया, 4 इधर गया, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा ये सबको सम करना पड़ेगा। 4 प्लस 28 प्लस 18 दैट इज यहाँ से 50 एम्पियर करंट आ रही है, और यहाँ 4 एम्पियर करंट जा रही है और यहाँ 18 एम्पियर करंट जा रही है। क्लियर है? अब हम ये वाले नोट पे आ जाएंगे। इस V2 और V3 के बीच में देखिए, V2 बड़ा है कि V3 बड़ा है? V2 बड़ा है कि V3 बड़ा है? यहाँ पर V3 बड़ा है, दैट्स वाई यहाँ जो करंट है वो V3 से V2 की ओर आएगी। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ जाने वाली करंट माइनस 4 ब्रैकेट में माइनस 4 माइनस ब्रैकेट में माइनस 20 करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज यहाँ पर हो जाएगा ये 8 एम्पियर करंट। क्लियर है? यहाँ से 28 एम्पियर करंट आई और यहाँ से 8 आई। क्लियर है? तो कितना हो गया यहाँ पर 28 प्लस 8 36, ये 36 एम्पियर करंट पूरा यहाँ जाएगा। ये हो गया हमारा 36 एम्पियर करंट। अब यहाँ पर 4 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही है, ये हो गई 4। यहाँ पर 3 एम्पियर करंट यहाँ से आ रही है, ये आ गई यहाँ पे 3 एम्पियर करंट। तो 4 यहाँ से आई, 3 यहाँ से आई, हो गया 7 और 8 इधर गई, मतलब यहाँ से करंट ऊपर की डायरेक्शन में आ रही होगी 1 एम्पियर करंट। क्लियर है? वैसे भी यहाँ पे माइनस 4 आया है हमारा आंसर, माइनस 4 और इधर 0 है, तो यहाँ पर माइनस 4 और 0 में 0 बड़ा है, तो 0 से करंट माइनस 4 की ओर जाएगी। तो यहाँ पर 0 माइनस माइनस 4 दैट इज प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 1 एम्पियर आएगा। तो इस तरह, इस टाइप से करके हम सभी ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड किए। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम ये वाला देखते हैं। यहाँ पर जो कैलकुलेशन पर्पस से इंपॉर्टेंट नोड, ये 1, 2, 3 और ये 4 नोड है, जिसमें ये सबसे नीचे वाले को ग्राउंडेड कर दिए 0। अब यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का वोल्टेज V2 और यहाँ का वोल्टेज V3 ले लिए। नोड वोल्टेज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस 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 ले लिए। अब हमको थोड़ा ध्यान से देखना है, इस वाले नोड पर यहाँ से 4 एम्पियर करंट जा रही है तो उसको आउटगोइंग बनाए, बाकी दोनों को अपने मन से आउटगोइंग ले लिए। इस वाले नोड पे ये 3 एम्पियर करंट आ रही है तो इसको इनकमिंग रहने दिए, बाकी दोनों को अपने मन से आउटगोइंग ले लिए। इस वाले नोड पे 4 एम्पियर करंट आ रही है तो इनकमिंग रहने दिए, 3 एम्पियर करंट जा रही है तो उसको आउटगोइंग ले लिए और यहाँ से अपने मन से आउटगोइंग ले लिए। तो किरचॉफ करंट लॉ, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। इस नोड पर इनकमिंग करंट 0, आउटगोइंग करंट एक V1 से 50 की ओर जा रही है तो V1 माइनस 50 बाय 2, एक करंट V1 से V2 की ओर जा रही है तो V1 माइनस V2 बाय 3, एक करंट यहाँ से V1 से V3 की ओर जा रही है उसकी वैल्यू 4 है तो ये डायरेक्ट 4 लिख देंगे। क्लियर है? सेकेंड नोट पे आते हैं, यहाँ इनकमिंग करंट 0, आउटगोइंग करंट एक V2 से V1 पे जा रहा है तो यहाँ पर V2 माइनस V1 बाय 3, एक करंट V2 से प्लस 20 पे जा रहा है तो V2 माइनस 20 बाय 1, और एक 3 एम्पियर करंट यहाँ इनकमिंग है, दैट्स वाई यहाँ इनकमिंग करंट, यहाँ इनकमिंग करंट लिखेंगे। अब इस नोट पे आ जाएंगे, इस नोट पे इनकमिंग करंट यहाँ 4 आया तो इनकमिंग करंट यहाँ 4 लिखे, आउटगोइंग करंट यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखे, और एक करंट V3 से कहाँ जा रहा है, ग्राउंड पे जा रहा है तो हो जाएगा V3 माइनस 0 बाय 4। क्लियर है? अब यहाँ पर हमको देखना है कि इक्वेशन क्या क्या बन रहा है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हम पहले लेते हैं, तो यहाँ पर
ये थ्री को इधर ले आया तो वन हो गया, ये थ्री को इधर ले आया तो ये फोर माइनस थ्री यहाँ वन हो गया, और फिर फोर का इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फोर हो जाएगा, दैट इज़ वी थ्री की वैल्यू हमारी फोर आ गई। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि वी थ्री इज इक्वल टू फोर वोल्ट हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पर मैं एलसीएम सिक्स ले लिया, एलसीएम सिक्स लूँगा तो ये हो जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पर 3V1 प्लस 2 दैट इज 5V1 माइनस 2V2 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 150 और माइनस 150 प्लस 24 माइनस 150 प्लस 24 ये आ जाएगा माइनस 126 और इधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 126 वोल्ट। ये पहला आ गया कितना। नाउ सेकेंड वाले इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ 3 एलसीएम लिए तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस वी वन और प्लस 4V2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 60 और माइनस 60 इधर आप आके प्लस हो जाएगा तो 69। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 126 माइनस 1 4 और 16। V1 की वैल्यू आएगी 35.66 वोल्ट, V2 की वैल्यू आएगी 26.166 वोल्ट और V3 की वैल्यू हमारी 4 वोल्ट। तो इस तरह हम V1, V2, V3 की वैल्यू फाइंड करने के बाद जिस भी ब्रांच में हम बोलेगा वहाँ पे करंट या जिस भी रेजिस्टेंस में बोलेगा उसके क्रॉस वोल्टेज या उसके क्रॉस पावर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है।